Hello, good morning students. Today we will discuss the second part of the selfless giant. Okay. In second part, here is 3 points to celebrate the return of the children. Trees covered themselves with buds and blossoms. Means in second part we will discuss that when the children return in the garden. Trees covered themselves with buds and blossom. यानी पेड़ क्या हुआ, खिल गए और बर्ड्स आने लगे. The giant was delighted to see his friend back, especially a little boy whom he loved dearly. Giant भी खुश हो गया जब उसने देखा कि उसके दोस्त वापस आ गए हैं, और खासकर वो छोटा बच्चा जिसे वो बहुत लाइक करता था. Third point is, the little boy soon disappeared only to return much later. और कुछ ही देर बाद वो छोटा बच्चा गायब हो जाता है. आगे क्या होता है? Now we will read the text. Here are text. He saw a most wonderful sight through a little hole in the wall the children had crept in. अभी तक स्टोरी देखें कि जो बच्चे उसके गार्डन में, जाइंट के गार्डन में खेलते थे, वो सेल्फिश था, इसलिए उसने क्या किया, अपने गार्डन के चारों तरफ उसने दीवार खड़ी कर दी. अब उस दीवार से जो होल थे छोटे से, उससे कुछ बच्चे अंदर देख रहे थे. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. और उस होल से अंदर आकर वो ट्री के ब्रांच पर यानी शाखा पे बैठ गए. इन एवरी ट्री डैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. और जो भी पेड़ थे जो उसे दिख रहा था जाइंट को, सभी पेड़ पे बच्चे बैठे हुए थे. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम. बच्चे के आने से पेड़ भी इतने खुश हुए कि पेड़ भी अचानक क्या हुआ, कवर्ड विद देमसेल्फ विथ ब्लॉसम, यानी वो भी खिल गए. एंड बर वेविंग देयर आर्म जेंटली, और वो अपने आर्म यानी शाखा को वेव करने लगे, मूव करने लगे. हियर एंड देयर अबव द चिल्ड्रंस हेड, मींस बच्चे बैठे हुए थे और उनके सर के ऊपर लगा कि जैसे उनको कोई बच्चे को ब्लेसिंग दे रहा हो इस तरह से. The birds were flying about and twittering with delight. बच्चे के आने से birds भी आसपास में उड़ने लगे और वो भी खुशी से चहचहाने लगे. Delight means खुश होना. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. जो flower जो पहले ground से ऊपर निकले थे लेकिन देखा कि बच्चे नहीं है, तो और जो साइन बोर्ड पर देखा कि चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड, तो वो फ्लावर नीचे जो ग्राउंड के अंदर चले गए थे, फिर से एक बार वो वापस बाहर निकल गए. इट वॉज अ लवली सीन, और ये सारा जो दृश्य था वो जाइंट को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन अभी भी उस गार्डन के एक कोने में विंटर ही था, यानी वहाँ ना तो पेड़ ब्लॉसम किया था और वहाँ अभी भी विंटर ही था. इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और वो जो पार्ट था एरिया वो बहुत दूर गार्डन के एक कोने में था. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था. ही वॉज सो स्मॉल डैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. और उस पार्ट में जहाँ पे अभी विंटर था वहाँ एक छोटा बच्चा था, वो इतना छोटा था कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, यानी इतना छोटा था कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया. एंड ही वॉज वैंडरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली, और वो पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था. एंड ही वॉज क्राइंग बिटरली, और जोर जोर से रो रहा था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, और उस पेड़ पे
अभी भी क्या था, फ्रॉस्ट और स्नो यानी बर्फ जो है वो जमे हुए थे। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोमिंग अबव इट, और उस पार्ट में उस एरिया में अभी भी नॉर्थ विंड तेजी से बह रहे थे। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, तभी आवाज़ आती है, पेड़ जो है वो बच्चे से कहता है कि क्लाइंब अप यानी चढ़ जाओ पेड़ पे। एंड इट वेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और फिर उस ट्री का जो ब्रांच है शाखा है वो नीचे झुकने लगा जितना वो झुक सकता था। बट द बॉय वाज टू टाइनी, लेकिन बच्चा काफ़ी छोटा था इसलिए झुकने के बावजूद भी वो नहीं चढ़ पाया। एंड द जाइंट्स हर्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, लेकिन वो जाइंट जो देख रहा था दूर से अपने घर में बैठकर, अचानक इस दृश्य को देख के उसका हर्ट जो है वो पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड, और तब वह अपने आप से कहा, उसे रियलाइज हुआ कि मैं कितना सेल्फिश था, कितना स्वार्थी था। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, और तब उसे समझ में आता है कि इस गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा था। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, और फिर वो सोचता है कि मैं उस बच्चे को पेड़ पे चढ़ा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर वो सोचा कि मैं अपने गार्डन के चारों तरफ का जो वॉल है वो भी गिरा दूंगा, तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और तब वो निश्चय करता है कि आज से मेरा गार्डन इन बच्चों का हमेशा के लिए प्ले ग्राउंड रहेगा, बच्चे यहाँ जब उनकी इच्छा हो आ सकते हैं और खेल सकते हैं। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, उसे अपने कृत पर अपने काम पे बहुत अफसोस होता है, उसे दुख होता है जो उसने किया। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, फिर वो अपने जगह से उठता है, नीचे जाता है और दरवाजे को बिना आवाज़ किए बहुत ही आराम से खोलता है। एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, और फिर वो गार्डन में पहुंच जाता है। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन दैट दे ऑल रैन अवे, लेकिन बच्चे जैसे ही जाइंट को देखा, देखते ही वो डर गए और डर से वो सभी वहाँ से भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और फिर से गार्डन पहले के जैसा वो शांत हो गया, विंटर हो गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन जो छोटा सा बालक जो कहीं दूर कोने में खड़ा था, ही डिड नॉट रन यानी वो नहीं भाग सका। वाई? बिकॉज फॉर हिज आइज वर शो फुल ऑफ टीयर्स, यानी आंखों में आंसू भरा था, डैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, इसलिए वो जाइंट को आते हुए नहीं देखा। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और जाइंट उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसे अपने हाथों में उठा लिया। एंड पुट हिम अप इन टू द ट्री, और उसे पेड़ पर चढ़ा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लॉसम, और जैसे ही वो बच्चा पेड़ पर चढ़ा, अचानक ट्री जो है वो खिल उठा। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और फिर चिड़िया भी वहाँ आ गई और वो भी गाने लगी। एंड द लिटिल बॉयज स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स, और फिर वो अपने दो आर्म को ऐसे फैलाया एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक, और उसको जाइंट को नेक यानी कि उसको गले लगा लिया। एंड किस्ड हिम, और उसको उसने किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रेन व्हेन दे सॉ डैट द जाइंट वॉज नॉट विक्ट एनी लॉन्गर, और जो बाहर खड़े बच्चे जो इस दृश्य को देख रहे थे, जब उन्हें एहसास हुआ कि अब जाइंट पहले जैसा विक्ट और क्रूएल यानी क्रूर नहीं है, केम रनिंग, तो दौड़ते हुए गार्डन में आ गए बैक वापस। एंड विथ देम केम द स्प्रिंग, और जैसे ही बच्चे गार्डन में आए, फिर से स्प्रिंग जो है गार्डन में आ गया। इट वॉज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, और फिर जाइंट ने कहा कि ये आप लोग का गार्डन है। सेड द जाइंट एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और फिर उसने एक्स यानी कुल्हाड़ी लिया और दीवार को
मारकर गिरा दिया। एंड वेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और वहाँ के लोग जो दोपहर में काम के सिलसिले से बाजार जा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि जाइंट जो है बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो उन लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि यह सबसे सुंदर गार्डन है। ऐसा गार्डन उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय। और सभी बच्चे उनके साथ खेलते थे और शाम में जाने के समय गुड बाय कहते थे। ओके स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और उस दिन ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।